प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मेरा नाम है महेश पलावत, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। ये है देश भर का मौसम अपडेट और पूर्वानुमान। तो इस वीडियो में हम दक्षिण भारत से लेकर के पश्चिम भारत, पूर्वी भारत और उत्तर भारत के बारे में और मध्य भारत के बारे में बात करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं हम दक्षिण भारत से कि पिछले दो तीन दिनों के दौरान आपने देखा कि चेन्नई और उसके आसपास तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कुछ लोगों की बदकिस्मती से जान भी चली गई, लेकिन वो जो डिप्रेशन था वो कमजोर पड़ करके वेलमैक लो प्रेशर एरिया बना और उसके बाद एज अ लो प्रेशर एरिया अब वो साउथ कर्नाटका में देखा जा सकता है। तो पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि आंध्र प्रदेश के साथ साथ जो तेलंगाना और ओडिशा है इस इलाके में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी हुई थी। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो दक्षिणी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के साथ साथ तमिलनाडु और केरल में जारी रहेंगी। कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, लेकिन जो आफत की बारिश थी यानी कि पूरे इलाके में जल भराव था, मूसलाधार बारिश हो रही थी, 100 मिलीमीटर से ज्यादा, 150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर की जो बारिश थी उससे अब निजात मिल जाएगी। यानी कि अब खतरा टल चुका है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। और बारिश की कमी के कारण क्या होगा कि अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तमिलनाडु, चेन्नई और बाकी इलाकों में अच्छी तरह से चल पाएंगे और जो थोड़ी बहुत बारिश होगी वो ज्यादा व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगी। लेकिन एक और वेदर सिस्टम है, यानी कि ये क्या जो महीना होता है नवंबर और दिसंबर का, इसमें आपको सबको पता है कि साइक्लोन बनने का ये दूसरा पीक होता है। एक तो अप्रैल और मई में होता है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में साइक्लोन बनना शुरू होते हैं, यानी समुद्री तूफान बनते हैं। फिर उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में एक बार फिर साइक्लोन बनने की संभावना बन जाती है। तो अब क्या हो रहा है कि गुलाब जो साइक्लोन बना था जो आंध्र प्रदेश को पार किया था, उसके बाद जो फिर से अरब सागर में आके साइक्लोन साहिन बना था, उसके बाद से कोई भी समुद्री तूफान नहीं बना है। लेकिन डिप्रेशन आपने देखा बना था, अब इसके बाद फिर क्योंकि अभी ये जो बंगाल की खाड़ी एक्टिव है यानी समुद्री सतह के तापमान ठीक ठाक बने हुए हैं, थोड़े से गर्म है, 28-29 डिग्री के आसपास बने हुए हैं। इसीलिए क्या होगा कि ये एक के बाद एक जो वेदर सिस्टम आएंगे जो गल्फ ऑफ थाईलैंड से बंगाल की खाड़ी में जब आते हैं तो एक बार फिर वो सक्रिय हो जाते हैं। तो जो लो प्रेशर एरिया बना, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था, उसके प्रभाव से साउथ अंडमान सी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है। अब ये निम्न दबाव का क्षेत्र पहले भी यहीं पर बना था और आपने देखा था कि डिप्रेशन के रूप में चेन्नई के आसपास आया था। अब ये भी पहले वेलबैग लो प्रेशर एरिया बनेगा और ये काले रंग से जो हमने बनाया ये डिप्रेशन बनेगा, इस जगह पर आते आते फिर आगे बढ़ जाएगा एज अ डिप्रेशन। हो सकता है कि डीप डिप्रेशन भी बन जाए, लेकिन इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और ये आंध्र प्रदेश के तट की तरफ इसका रुख दिखाई दे रहा है फिलहाल, और आंध्र प्रदेश में ज्यादा बारिश देगा 16-17 तारीख को, और बाकी इलाकों में तमिलनाडु और ओडिशा में भी बारिश की गतिविधियां होंगी, लेकिन जो इम्पैक्ट होगा वो आंध्र प्रदेश में ज्यादा दिखाई देगा। अब देखते हैं कि बाकी इलाकों में क्या स्थिति बनी हुई है। तो ये जो अभी आप देख सकते हैं कि हवाओं की जो दिशा है, एक तो देखिए ये बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही हैं, इस तरह से भी घूम रही हैं, इस तरह से भी घूम रही हैं, और यहां से ये उत्तर पश्चिम दिशा से शुष्क हवाएं आ रही हैं। तो ये जो मिक्सिंग हो रही है तो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों तक जारी रहेंगी। हालांकि बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन क्योंकि ये जो अपोजिट हवाओं का मिलन होता है उसके कारण क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। जब अनस्टेबल होता है तो हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, और जो मिक्सिंग होती है उसके कारण जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो ठंडी होती हैं, और उसमें जो नमी आती है, जो बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, इसके कारण क्या होगा, बादल बनते हैं और बारिश होती है। हालांकि मूसलाधार बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी थंडर शावर या लाइट रेन और एक दो मॉडरेट स्वेल इन इलाकों में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य पूरी तरह शुष्क रहेंगे, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिले जो हो गए, ये सारे इलाके, बिहार और झारखंड के उत्तरी जिले, ये सारे शुष्क बने रहेंगे, थोड़े बहुत बादल छा सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे कि प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, सोनभद्रा, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे, और इसमें अब जो मिनिमम टेम्परेचर है धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। सर्दी की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी। अब क्योंकि अभी तक तो क्या हो रहा है कि ये जो वेदर सिस्टम के कारण हवाएं जो है वो पूर्वी दिशा से आ रही है, मध्य प्रदेश और विदर्भ और इस सारे इलाके में, इसीलिए इस इलाके में जो मिनिमम टेम्परेचर गिर रहे थे उसमें थोड़ा सा कमी आई है, क्योंकि जब नमी वाली हवाएं आती हैं तो मिनिमम टेम्परेचर को बढ़ा देती है, बादल बनते हैं, तब भी जो न्यूनतम तापमान है थोड़े से बढ़ जाते हैं।
लेकिन एक दो दिनों के बाद क्या होगा कि जो उत्तर पश्चिमी दिशा है इससे हवाएं चल रही है, जो उत्तर भारत में चल रही है, ये और ज्यादा उग्र हो जाएंगी और ये यहां तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी। तो इनके असर से क्या होगा कि मध्य प्रदेश वगैरह, विदर्भ और छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, इन इलाकों में भी मिनिमम टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगी। अब उत्तर भारत की बात करते हैं तो इस बार थोड़ा सा अनयूजुअल है। यूजुअली क्या होता है कि नवंबर के महीने में 3 या 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं। अभी तक कोई भी अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नवंबर के महीने में नहीं आया। 20-21 तारीख के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, लेकिन काफी कमजोर होगा, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में एक दो स्थानों पर बारिश या ऊंची पहाड़ियों पर बहुत हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। लेकिन उसका असर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन इलाकों में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से चलती रहेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा तेज हवाएं नहीं होंगी। तो दिल्ली का प्रदूषण अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में बना हुआ है, तो अभी भी इससे निजात मिलने की संभावना नहीं है। यानी प्रदूषण कम कब होता है, आपको सबको पता है कि जब या तो तेज हवा चले, या अगर जैसे धुआं कह लो या प्रदूषण कह लो, जो भी है वो पोल्यूटेंट्स एक जगह इकट्ठे हैं, हवा नहीं चल रही, अगर तेजी से हवा चलेगी तो लगातार अगर चलती रहेगी तो उसको वो बहा ले जाएंगे और काफी दूर तक ले जाएंगे और प्रदूषण कम हो जाता है। जैसे कि आप अगर किसी स्थान पर फूंक मारते हैं तो वो उससे धुआं उड़ जाता है, तो वैसे ही आप कह सकते हैं कि ये नेचर फूंक अगर इसको मारेगा, यानी कि तेजी से हवा चलेगी तो इसको थोड़ा सा डिस्पर्स करेगा और कमी आएगी। लेकिन अभी फिलहाल तेज हवा चलने की उम्मीद इतनी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए प्रदूषण हमें झेलना पड़ेगा। और दूसरा है कि बारिश हो जाए, अगर तेजी से बारिश पूरे इलाके में होती है तो पूरे जो पॉल्यूटेंट्स है वो धुल करके बैठ जाते हैं और मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन इस तरह की संभावना अगले 7-8 दिन तक दिखाई नहीं दे रही है, तो हमें अभी प्रदूषण झेलना पड़ेगा। हालांकि मिनिमम टेम्परेचर अब धीरे धीरे गिरने लगे हैं, अब सिंगल डिजिट में तापमान आने की उम्मीद है, जिससे कि सुबह और शाम की सर्दी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।